सत श्री अकाल जी, चढ़दी कला टाइम टीवी उत्ते फास्ट न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, एक नज़र मारदे हां हुण तक दीआं खास खबरां ते। देश विच कोरोना संक्रमण के मामलों की घटती गिणती वेखते हुए चोण कमिशन ने सियासी दलों के चोण प्रचार को लेकर लाईआं गईआं पाबंदियों विच कुछ ढिल देण दा फैसला किया। हालांकि समीक्षा बैठक तो बाद कमिशन ने चोण रैलियों उत्ते रोक नूं 11 फरवरी तक वधा दिता है। कमिशन ने हुण 1000 लोगों नाल सभा करन दी मंजूरी दे दित्ती है। इस तो पहला 500 लोगों नाल इनडोर मीटिंग करन दी भी मंजूरी दी गई है। इस तो इलावा घर घर जाके प्रचार डोर टू डोर मुहिम लई गिणती 10 तो वधा के 20 कर दी गई है। चोण कमिशन ने 8 जनवरी नूं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब अते मणिपुर लई वोटिंग प्रोग्राम दे ऐलान दौरान सीधे रैली अते रोड शो उत्ते पाबंदी लगाई सी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वित्तीय साल 2022-23 लई सरकार दे बजट तो पहला अर्थव्यवस्था की स्थिति का वेरवा देंदे हुए आर्थिक सर्वेखण पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेखण 2021-22 पेश किया। आर्थिक सर्वेखण ने वित्तीय साल 2023 लई 8 तो 8.5% लई असल GDP विकास दर का अनुमान लगाया। सर्वेखण में कहा गया कि अर्थव्यवस्था 2022-23 चुनौतियों का सामना करने लई पूरी तरह तैयार है। राइटर्स के अनुसार सर्वेखण में खेतीबाड़ी खेतर की विकास दर 3.9% रहने का अनुमान लगाया गया। इस दे नाल ही उद्योगिक विकास दर 11.8% रहने का अनुमान भी लगाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सकत्रेत में उन्होंने किसानों को कुछ चैक वंडे जिन्हों की फसल अक्तूबर महीने बेमौसमी मीह कारण खराब हो गई थी। इस मौके केजरीवाल ने कहा कि अक्तूबर में किसानों की फसल खराब हुई थी तो अज उन्होंने चैक देने का काम शुरू किया गया, जल्द ही सारों पैसा मिल जाएगा। 2 तो 3 लाख रुपए तक के चैक भी किसानों दिए गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि असी किसानों के नाल खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी में किसानों की सरों की फसल खराब होने की जानकारी मिली है, उसलिए भी सर्वे दे आदेश दिए गए हैं। पंजाब के सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला शहरी सीट तो सोमवार को अपने नामजदगी पत्र दाखिल किए। इस मौके उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, मेयर संजीव शर्मा बिट्टू और भाजपा आगू मौजूद रहे। पंजाब के सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला शहरी सीट तो अज अपने नामजदगी पत्र दाखिल किया, जिस तो बाद प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मौके पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू उत्ते निशाना बिंदे कहा कि इन्होंने चोणों में नवजोत सिद्धू का बुरा हाल होगा। कैप्टन ने चोणों दौरान आगुआ वालों एक दूजे खिलाफ वरती जा रही मंदी शब्दावली गलत करार दिता है। विधानसभा हलका जलालाबाद तो श्रोमणी अकाली दल बादल और बसपा गठजोड़ के उम्मीदवार और श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल अज उपमंडल मजिस्ट्रेट कम रिटर्निंग अफसर देवदर्शदीप सिंह को अपने नामजदगी पत्र दाखिल करवाउन पहुंचे। SDM दफ्तर विखे चोणों नूं लैके नामजदगियां करन वेले सुखबीर सिंह बादल ने अपनी पत्नी बीबी हरसिमरत कौर बादल नूं कमरिंग उम्मीदवार बनाया। विधानसभा हलका नवांशहर विच कांग्रेस पार्टी वालों विधायक अंगद सैनी की टिकट कट के सतबीर सिंह नूं दित्ती गई है, जिस उत्ते अज अंगद सैनी वालों आजाद तौर उत्ते चोण लड़न का बिगल भजा दिता गया। अज उन्हां दी कोठी विच हजारां दी तादाद विच कांग्रेसी वर्करां वालों अंगद सैनी नूं आजाद तौर उत्ते चोण लड़न लई कहा गया अते चोण जिताउण दा भरोसा दिता गया। समर्थकां वालों हल्लाशेरी देण तों बाद अंगद सैनी वालों अज आजाद उम्मीदवार वजों अपने कागज़ दाखिल करवा दिते गए। इस मौके उन्हां समर्थकां दे वड्डे इकट्ठ नूं संबोधन भी किया। आम आदमी पार्टी पंजाब दे मुख्यमंत्री अहुदे दे उम्मीदवार अते संसद मैंबर ते सूबा प्रधान भगवंत मान ने कार्यकारी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वालों विधानसभा हलका भदौड़ तों चोण लड़न दा स्वागत करदिआं दावा कीता कि भदौड़ हलके तों भदौड़ दा पुत लाभ सिंह उगो के जितेगा। इस मौके भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अते दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसान हितैषी होने का सबूत दिंदिआं दिल्ली विच बेमौसमी बरसात कारण फसल खराब होने उत्ते दिल्ली दे किसानां नूं वड्डा मुआवजा दित्ता है। ड्रग मामले में लेकर श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट वालों वड्डी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी तक मजीठिया की गिरफ्तारी उत्ते रोक लगा दी है। इस दे नाल ही बिक्रम सिंह मजीठिया को 23 फरवरी तक ट्रायल कोर्ट अगे सरेंडर करने के हुक्म दिए ने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी तक सुरक्षा दे दी है। उदों तक पंजाब सरकार बिक्रम सिंह मजीठिया खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। हुण मजीठिया पंजाब विच खुल के चोण प्रचार कर सकता है। श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के प्रधान सुखदेव सिंह ढींडसा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात की। ढींडसा ने प्रधानमंत्री नूं सिखां दे पंथक मसलों अते पंजाब दे लंबे समय तो लटकदे मसलों नूं हल करन लई बेनती की है। उन्होंने प्रधानमंत्री तो सजावां पूरियां कर चुके बंदी सिंघां दी रिहाई दी मंग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हां मंगां नूं हल करन दा भरोसा दिता है। इस मौके ढींडसा ने चन्नी वालों 2 थावां तो चोण लड़न नूं चन्नी दा डर करार दिता। उन्हें कहा कि जदों एक थां तो जित नज़र ना आवे तां उम्मीदवार दूजी थां ते भजदे ने। लुधियाणा विधानसभा हलका वैस्ट तो श्रोमणी अकाली दल बादल अते बहुजन समाज पार्टी के सांझे उम्मीदवार महेशिंदर सिंह गरेवाल ने नामजदगी दाखिल की।
इस मौके उन्हें टिकट देने लिए हाईकमांड का धन्यवाद भी किया। अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दलदी नूं पद्मश्री सम्मान मिल जा रहे, जिसनों लेके पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पत्र लिख के सरदार जगजीत सिंह दलदी नूं मुबारकबाद दी है। इस पत्र राही उन्होंने सरदार जगजीत सिंह दलदी वालों दित्तियां सेवाओं की शलाघा की है। दस दिए कि सरदार जगजीत सिंह दलदी अदारा चढ़दी कला के चेयरमैन और रोजाना चढ़दी कला के मुख्य संपादक ने। दिल्ली में 26 जनवरी को कुड़ी नाल हुई बदसलूकी उत्ते कांग्रेस के आगू राहुल गांधी ने ट्वीट करके गुस्सा जाहिर किया है। राहुल ने ट्विटर उत्ते इस घटना बारे लिखा कि कुछ लोग औरतों को इंसान समझते नहीं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि 20 साल की कुड़ी की बुरी तरह कुटमार का वीडियो साडे समाज का एक एक घिनौना चेहरा विखाउंदा है। कौड़ा सच यह है कि कई भारतीय औरतों को इंसान नहीं समझते, यह शर्मनाक है। इसको स्वीकार करने सामने लियाने की जरूरत है। दसणयोग है कि 26 जनवरी बुधवार के दिन जिथे पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, उत्थे ही दिल्ली दी गलियां विच एक कुड़ी की इज्जत तार तार हो रही थी। दिल्ली में 20 साल की कुड़ी अगवा करके पहला समूहिक बलात्कार किया गया, फिर उस नाल बदसलूकी ते वाल कट के सड़कों उत्ते घुमाया गया। दिल्ली में नौजवान लड़की नाल किया गया अणमनुखी तशद्दुद जुल्म का सिखर है, जिसके दोषियों नूं सख्त सजावं मिलनी चाहीदियां ने। यह प्रगटावा श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने किया है। उन्हें कहा कि इस तरह किसी मनुख नूं जलील करना मानवी कदर कीमतों के बिल्कुल विरुद्ध है। उन्हें कहा कि दोषी किसी भी हालात में बख्शे नहीं जाने चाहिए, तो एक एक दोषी की पछाण करके उसनों उदाहरण पेश करते सज़ा दी जानी चाहिए है। दिल्ली में नौजवान लड़की नाल गैर वाजब वतीरा अपनाउण की दिल्ली कमेटी ने सख्त निखेधी की है। दिल्ली कमेटी प्रधान हरमीत सिंह कालका ते जनरल सकत्तर जगदीप सिंह कालो ने कहा कि दिल्ली कमेटी इस मामले उत्ते लगातार नज़र रख रही है। उन्हें कहा कि दोषियों को सख्त सज़ा दिवाई जाएगी। बीजेपी के सिख आगू मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में लड़की नाल अणमनुखी वतीरा अपनाउण की घटना की निखेधी की है। उन्हें कहा कि इस मामले में उन्हें पुलिस के आला अधिकारी नाल गल की है। उन्हें दावा किया कि इसनों धर्म नाल जोड़ के ना वेख्या जाए। दिल्ली कमेटी प्रधान हरमीत सिंह कालका की अगुवाई में दिल्ली कमेटी के एडजैक्टिव मैंबर की अहम बैठक हुई, जिस में कई वड्डे फैसले लए गए। इस मौके दिल्ली कमेटी के जनरल सकत्तर जगदीप सिंह कालों भी मौजूद रहे। इस मौके कालका ते कालों ने बैठक बारे जानकारी दी है। जाते जाते नज़र मारदे आने वाले कल के मौसम के हाल उत्ते चढ़ती कला फास्ट न्यूज़।